के बीच बिहार की राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों में से एक IGIMS के 50 से ज्यादा इंटर्न हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि कोविड ड्यूटी के दौरान उनका इंश्योरेंस कराया जाए। मांग पूरी न होने पर संकट के समय में भी इंटर्न ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। यह इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। हड़ताली इंटर्न अपनी मांगों को लेकर अस्पताल के निदेशक के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी इंटर्न पिछले 15 दिनों से कोविड मरीजों के इलाज में जुटे थे और लगातार इंश्योरेंस करवाने की मांग कर रहे थे। हम लोग पिछले 15 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, 16th डे है और हम लोग को यहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। कोई हम लोग को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो हम लोग अपने आप को खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो बेसिक फैसिलिटीज है वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग उसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड किए थे कि थोड़ा सा कुछ को बढ़ाया जाए। हम लोग का एक और डिमांड, दो डिमांड और है, बेसिक डिमांड जो है वो है कि हेल्थ इंश्योरेंस मिले और हम लोग को कोविड अलाउंस दिया जाए बेसिक स्टाइपेंड के अलावा, क्योंकि हम लोग का बेसिक रिक्वायरमेंट भी इतना भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग मैनेजमेंट से बात किए, मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं थे, तो आज से हम लोग सिम्बोलिक स्ट्राइक पे गए। सिम्बोलिक स्ट्राइक मतलब हम लोग कोई भी काम नहीं छोड़ा है। हम लोग सब लोग अपने ड्यूटी करने के बाद, या फिर जो लोग अभी आइसोलेशन पे हैं, एक सप्ताह का ड्यूटी होता है, एक सप्ताह का आइसोलेशन होता है, उन लोग आकर के यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो अभी से हम लोग स्ट्राइक पे हैं, ये जब तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना बात नहीं मानता हम लोग का, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे। बता दें कि इस समय बिहार समेत देश के सभी राज्य कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। लगातार हजारों संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में इलाज करने वाले डॉक्टरों की भारी कमी है। आपात परिस्थिति में भी इंटर्न के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने की आशंका है। आंखें न्यूज 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।